गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज आई विल टीच यू सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फिफ्थ फोर्थ क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड टर्म, आवर चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 68, यूनिट 6, टाइम। स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नेम है टाइम। तो आज स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर में टाइम से रिलेटेड, देखिए स्टूडेंट्स है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो आज हम मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉक, इन एवरी वॉच द सर्कुलर पार्ट ऑफ द डे इज डिवाइडेड इनटू 12 बिग पार्ट्स। आपने स्टूडेंट्स, आप सभी के घर में वॉच होगा, तो आप सभी ने अपने वॉच में देखा होगा जो ये नंबरिंग होती है, 12 तक नंबरिंग होती है। ओके, ईच बिग पार्ट इज डिवाइडेड इंटू 5 स्मॉल पार्ट्स। और जो ये 12 नंबर है, इन सभी में जो ये बटे होते हैं, सभी में जो स्मॉल 5 पार्ट्स जो होते हैं बटे हुए होते हैं। इन दिस वे 60 पार्ट्स आर इंडिकेटेड ऑन द डायल। जितने भी ये डायल हैं, इस तरीके से टोटल जो बिग पार्ट्स हैं वो 12 है, और एक नंबर में, एक पार्ट में हमारा 5 है। तो इस तरीके से जो ये पूरे हैं, जो कंप्लीट टोटल जो है पार्ट्स, वो 60 हुए, क्योंकि 12 है, 12 में 5 को हम इंटू करेंगे तो 12 5 जा 60, इस तरीके से। ओके, द आवर हैंड, जो आवर हैंड है, कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ द डायल इन 12 आवर्स। ईच बिग पार्ट इन 1 आवर एंड ईच स्मॉल पार्ट इन 12 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। देखिए, जो ये क्या कहते हैं, जो स्मॉल हैंड है, ओके स्टूडेंट्स, जो क्या कहते हैं, जो भी हावर हैंड जो है, स्मॉल जो हैंड है वो हमारा आवर हैंड है, और जो बिग है वो हमारा मिनट हैंड है। जब ये स्मॉल हैंड जब वन राउंड पूरा कर लेती है, तो इसका मतलब है कि उसने 1 आवर जो है कंप्लीट कर लिया है। ओके, एंड ईच स्मॉल पार्ट इन 12 मिनट्स रिस्पेक्टली। और जो ये बड़ी वाली जो है वन राउंड लगाती है, तो इसका मतलब उसने 12 मिनट जो है कंप्लीट कर लिया है। द मिनट हैंड, जो ये बिग हैंड है उसे मिनट हैंड कहा जाता है। कंप्लीट ईच राउंड ऑफ द डायल इन 1 आवर, ईच बिग पार्ट इन 5 मिनट एंड ईच स्मॉल पार्ट इन 1 मिनट। द सेकेंड हैंड, जो सेकेंड हैंड है, कंप्लीट्स द राउंड ऑफ द डायल इन 1 मिनट, ईच स्मॉल पार्ट इन 1 सेकेंड एंड ईच बिग पार्ट इन 5 सेकेंड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है हैंड, जो ये क्या कहते हैं, हमारे वॉच में जो ये होते हैं, ये वॉच के हैंड होते हैं। ओके, देखिए इसमें तीन हैंड है, जो सबसे छोटा है, सबसे स्मॉल हैंड है वो क्या है, आवर हैंड। ओके, नेक्स्ट जो उससे बड़ा है वो है मिनट हैंड, और जो उससे भी बड़ा है वो क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंड हैंड। तो स्मॉल है आपका आवर हैंड, देन उससे जो बिग है वो है मिनट हैंड, एंड उससे बिग जो है सेकेंड हैंड। ओके स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ वन राउंड, देखिए जो क्या कहते हैं, आवर हैंड जो हैंड होती है, सबसे छोटी वाली जो हैंड होती है, उसका जो 1 आवर जब वो कंप्लीट कर लेता है, जब वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब उसने 12 आवर्स कंप्लीट कर लिए। जब मिनट हैंड 1 राउंड कंप्लीट करता है, मिनट हैंड इट मींस ये वाला हैंड, जब ये 1 राउंड कंप्लीट करता है, इट मींस इसने 1 आवर कंप्लीट किए। सेकेंड हैंड, इसने जब ये वाला जो हैंड है, इसने पूरा 1 राउंड कंप्लीट किया, तो इट मींस इसने 1 मिनट कंप्लीट किया। गॉट इट स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ 1 बिग पार्ट, 1 आवर, देखिए आवर हैंड जो है वो 1 आवर कंप्लीट करती है, 5 मिनट 5 सेकेंड। वैल्यू ऑफ स्मॉल पार्ट्स, 12 मिनट 1 आवर, 1 मिनट 1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे 1 आवर इज इक्वल टू 12 इंटू 5 मिनट, 60 मिनट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, ये जो 12 है हमारे, ये हमारे जो बिग पार्ट्स हैं वो हैं, और 5 उसमें जो हैं ऐड हैं। ओके, जो स्मॉल जो 12 है वो 5 में से एक में जो है 5 इंडिकेट है। तो इस तरीके से 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि जो 1 आवर में 60 मिनट एंड 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को अपने क्या कहते हैं, मैथ की नोटबुक्स में स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा सा वॉच ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, और उसके बाद आपको उसके नीचे ये आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट्स,